हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं आप में से जिनकी ये ड्रीम कंपनी है। बात करें हम विप्रो के बारे में, विप्रो की तरफ से लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज का अपडेट आउट किया जा चुका है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है। सबसे अच्छी बात, एज अ फ्रेशर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फी पे नहीं करनी है। किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ध्यान से समझ लेना अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज सीधा आप यहाँ पे एचआर से कनेक्ट करने वाले हो। हर चीज़ में आपको यहाँ प्रॉपरली गाइड करूंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन सी पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। मीन्स वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे विप्रो की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सो इसमें आपको 100% रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया आप सीधा एचआर से यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हो। एज अ फ्रेशर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे विलेज सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज के लिए और अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपको बताना चाहूँगी, इसमें कोई फ़ी पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, बिकॉज विप्रो आपको कभी भी नहीं बोलता किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेकर आपको कुछ पे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको इसमें 100% रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें जो वैकेंसीज है ना, 2 से 3 टाइप की आउट हुई हैं। पहले हम बात करेंगे पहली जॉब के बारे में, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, फिर मैं आपको उसके लिए बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है। इसी तरीके से हम सेकंड पोस्ट का बात करेंगे, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, उसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, बिकॉज अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज भी आई है, ग्रेजुएट के लिए भी आई है, अदर्स के लिए भी है, हर कोई आप में से एलिजिबल है, अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, यहाँ मेंशन तो नहीं की है, बट एज अ फ्रेशर आपकी इसमें हायरिंग हो रही है, अराउंड 24,000 आपकी इसमें इनहैंड सैलरी हो सकती है, प्लस अदर बेनिफिट एज एन विप्रो के एम्प्लॉय को, तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट इसमें मिलने ही वाले हैं। तो जो पहली वाली जॉब है ना, उसके लिए अप्लाई भी आपको 2 तरीके से करना है, वो भी आपको मैं यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ क्लियर करूँगी। तो विप्रो की अगर हम पहली वाली जॉब के लिए बात करें ना, ये अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम है, सीधा एचआर से आपके यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, रोटेशनल शिफ्ट आपकी ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। पहली जो जॉब है ना, इसके लिए आपकी जो सैलरी है डिस्क्राइब नहीं की है, मैं आपको एस्टिमेट बता रही हूँ, जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी इसमें हो सकती है वो 22,000 तक हो सकते हैं पहले जॉब के लिए। सेकंड की हम बाद में बात करेंगे, ये भी आपके 25 के अराउंड जाएगी, बिकॉज अदर बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको अलाउंस मिलता है पीएफ ईएसआई का और अदर बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस भी होती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं पहली जो प्रोफाइल है वो कौन सी जॉब के लिए है। तो ये जो प्रोफाइल है आईटी सर्विसेज डेस्क एनालिस्ट के लिए है। अब आप ये मत सोचना यहाँ पे आईटी वाले कैंडिडेट एलिजिबल है, बिल्कुल भी नहीं, हर कोई आप में से अप्लाई कर सकता है इसके लिए। पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि 2 तरीके से इस वाली जॉब के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा, वो आपको ध्यान से समझ, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपको एचआर का जो गूगल फॉर्म है वही आपको फिल करना होगा। 2 तरीके से है, पहला जो तरीका है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहला लिंक इसी रिक्रूटमेंट का दिया है, क्लिक करेंगे न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में पहली जॉब का आपको पहला लिंक मिलेगा, लिंक 1 एंड लिंक 2, क्योंकि 2 तरीके से अप्लाई करना है पहली जॉब के लिए। पहले हम लिंक 1 पे जैसे क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आपको 4 स्टेप है, 4 स्टेप आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है अपनी डिटेल्स को,
फिल करके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में जब आप क्लिक करेंगे ना इस स्टेप को, आगे जब आप इस स्टेप से बढ़ेंगे वहाँ पे आपके सामने 2 से 3 जॉब की ऑप्शन आएंगी, मतलब जॉब्स की ज़्यादा आएंगी। आपको क्या करना है, 2 से 3 जॉब पे बस टिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये CV की। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट और अट्रैक्टिव सा रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड अपना कर देना है। तो आप ट्राई करना, अगर आपका रिज्यूमे पुराना है, कोई चीज़ें आप एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आप ट्राई करना कि न्यू ही रिज्यूमे आप यहाँ पे अपलोड करना, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे CV पे ही डिपेंड करती है। शॉर्टलिस्टिंग आप इसी के बेसिस पे होने वाली है, सो आपको बिल्कुल लेटेस्ट रिज्यूमे अपना यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो है प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल में आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करें, आपका नेम मेंशन करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके जस्ट सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आपको पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ये तो है पहला तरीका अप्लाई करने का। इसमें ऑप्शन नहीं है कि आप एक तरीके से अप्लाई करेंगे तो चलेगा, नो, दोनों तरीके से आपको अप्लाई करना है, तभी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीटली सबमिट होने वाली है। अब ये तो है पहला लिंक। जब आप लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, लिंक 2 पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन होगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है, ये सीधा HR का फॉर्म है। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, अपना नेम मेंशन करना है, एज इट इज़ नेम मेंशन करना है जो आपने पहले वाले फॉर्म पे मेंशन किया है। अगर आपने वहाँ फुल नेम मेंशन किया तो यहाँ पे फुल नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्रेफर्ड लोकेशन, मीन्स आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए तो वर्क फ्रॉम होम भी है, बाद में ऑफिस हो सकती है पहली वाली जॉब, ठीक है। सेकंड के बाद में हम बात करेंगे जिसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, जिनको है वो मेंशन करेंगे, जो फ्रेशर है वो फ्रेशर पे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वॉइस प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको यस यहाँ पे कर देना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर ड्रीम कंपनी है आपकी, इसमें जॉब पाना बहुत ही बड़ी बात है, तो अप्लाई ज़रूर से कर लेना। उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है कि आप ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है अगर आप ग्रेजुएट है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा HR की कॉल का। उसके बाद अगर सिलेक्शन की हम बात करें, पहले इसमें आपका असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, तब आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब ये तो है पहली जॉब। अब बात करते हैं सेकंड जॉब प्रोफाइल के बारे में, वो भी विप्रो की तरफ से आ चुकी है। ये जो जॉब है डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या कि कस्टमर्स की, क्लाइंट की जो भी इंक्वायरी है या जो भी क्वेरी है या जो कोई कंप्लेंट है उसको आपको अपने एंड से रिजॉल्व करना होगा ओवर द कॉल। नाम से समझ में आ रहा है डोमेस्टिक वॉइस प्रोसीजर के लिए ये, तो ये आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना। अब इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, सीधा इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। इस ईमेल आईडी पर, ये सीधे HR की ईमेल आईडी है, आपको अपना एक लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड कर देना है, जिसका आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है CV4, जो प्रोफाइल मैंने आपको इसके लिए बताई हुई है, ठीक है। वो वहाँ पे मेंशन करके आपको सेंड करना है। एक और भी तरीका है इसके लिए अप्लाई करने का, जैसे मैंने आपको जो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में बताया क्लिक करना है, जब आप लास्ट में अगेन जाएंगे रिक्वायर्ड लिंक में, जो आपको सेकंड वाली लाइन पे लिंक मिल रहा है ना, इस जॉब का ही है जो कि डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस के लिए है। इस पर जब क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप सारी डिटेल्स रीड कर सकते हैं कौन सी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी, रजिस्टर टू अप्लाई एंड लॉगिन टू अप्लाई। सबसे पहले आपको पहली ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। अब सेकेंड पर क्लिक करके यूजर नेम पासवर्ड मैंशन करके सारी डिटेल्स आपको फिल करके बस अप्लाई कर देना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ऐसे अप्लाई करो या सीधा इनकी ईमेल आईडी पर आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे ही अप्लाई करना। उसके बाद अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, आपकी इसमें ओवर द कॉल इंटरव्यू होने वाली है, हर कोई आप में से इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। हर वैकेंसीज में आपके लिए हमेशा सबसे पहले लेकर आती हूँ, हमेशा आपको प्रॉपरली गाइड करती हूँ अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कोई चैनल आपको नहीं गाइड करते अप्लाई कैसे करना है। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप चाहते हैं हर एक लेटेस्ट जॉब अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। इसके अलावा जो वैकेंसी आई हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।